आप भी अपने फेसबुक स्टोरी जब लगाते हैं तो आपके स्टोरी में एक दो ही व्यू आता है, उससे ज़्यादा व्यू नहीं आता है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो क्या कारण है जिसके कारण आपके फेसबुक स्टोरी में व्यू नहीं आ रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको इस वीडियो के अलावा और कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाला है कि आप उस प्रॉब्लम को किस प्रकार से सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उस प्रॉब्लम को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे और देखते हैं उसे किस प्रकार से सही करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ये स्टोरी है और इस पे मात्र एक ही व्यू आया है, ठीक है, इससे ज़्यादा ये व्यू आता ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार से सही करना है। देखिए, सबसे पहले आपको अपने प्लस आइकन पर क्लिक करना है। किसी भी स्टोरी को लगाने से पहले आपको अपने प्लस आइकन पर क्लिक करना है। जो भी आप स्टोरी में फोटो या वीडियोज़ को चेंज करना चाहते हैं चूज कर लीजिएगा, जैसे मैं इस वीडियोज़ को इस फोटोज़ को चूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद इस फोटो को शेयर करने से पहले, स्टोरी में लगाने से पहले, आपको जस्ट यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक सेटिंग्स का आइकन दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस सेटिंग्स के आइकन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही यहाँ पे लिखेगा प्राइवेसी, तो यहाँ पे एक प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो ऑप्शन यहाँ पे कस्टम पे है, ठीक है। कस्टम क्या होता है और फ्रेंड्स क्या होता है, पब्लिश क्या होता है, हाइड स्टोरी फॉर क्या होता है, पहले इसे हम समझ लेते हैं। इसे आप अगर समझ लीजिएगा तो आपके फेसबुक स्टोरी पे बहुत ज़्यादा व्यू आएंगे, आपकी फेसबुक स्टोरी पे लगभग 1000 से ज़्यादा ही व्यू आएंगे। जितना आपके फ्रेंड रहेंगे उतना ज़्यादा व्यू आएगा। तो देखिए पब्लिश का मतलब क्या होता है, सबसे टॉप पे यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन है। तो यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन ये है कि अगर आप इस पब्लिश वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं तो आपको तो सबसे पहले अपने जो प्रोफाइल है उसे, अगर आप उसे लॉक करके रखे हैं तो उसे अनलॉक करना चाहिए। पब्लिश का मतलब यही होता है कि आपका चाहे वो फ्रेंड हो या ना हो आपकी स्टोरी को देख सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बोल दिया कि आपको सबसे पहले अपने प्रोफाइल को अनलॉक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अनलॉक में मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी योर प्रोफाइल यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। फिर मैं इसे लॉक कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए वैसे कर दिया। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे फ्रेंड्स का, मतलब इस वाले ऑप्शन को आप जब चूज करिएगा तो इससे होगा कि आपके जितने भी फेसबुक पे फ्रेंड होंगे सिर्फ उसी को आपका जो स्टोरी देखने को मिलेगा। जब तक आपके फ्रेंड स्टोरी को दिखाई देगा ही नहीं तो आपका फिर स्टोरी पे व्यू कैसे आएगा, वही बात है। उसके बाद से यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे हाइड स्टोरी फ्रॉम, मतलब कि अगर आप अपने फ्रेंड में से कुछ ऐसे फ्रेंड है जिसे आप उस स्टोरी को नहीं दिखाना चाहते, उसे आप यहाँ पे चेक लगा दीजिएगा, यहाँ पे टिक मार्क्स कर दीजिएगा। तो जिसे जिसे आप टिक मार्क्स करिएगा उसे आपकी स्टोरी है वो नहीं दिखाई देगा। तो आप इसे भी एक बार चेक कर लीजिएगा कि अगर आपका फ्रेंड में है तो ये जो टिक आपने तो नहीं लगाया है पहले से, अगर लगाया होगा तो उन लोगों को आपके स्टोरी नहीं दिख रहा होगा, जिसके कारण आपके स्टोरी पे ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे उसके बाद से यहाँ पे एक कस्टम का ऑप्शन है। कस्टम का ऑप्शन क्या होता है, इस पर जैसे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आप जिन जिन लोगों को यहाँ पे टिक लगा कर रखिएगा, मार्क लगा कर रखिएगा, सिर्फ उन्हीं लोगों को आपका स्टोरी देखने को मिलेगा, बाकी किसी को आपका स्टोरी शो नहीं होगा, जिसके कारण आपकी स्टोरी पर ज़्यादा व्यू नहीं आएंगे। तो इसका एक ही कारण है, एक ही उपाय है, आप लोग अच्छी तरीके से समझ लिए कि आपका जो स्टोरी जो प्राइवेसी है उसे आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है अपने स्टोरी को पब्लिश करने से पहले, शेयर करने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिश करिएगा तो सबको दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा व्यू आएगा, और फ्रेंड्स करिएगा तो आपके फेसबुक फ्रेंड जितने भी होंगे उन्हें सिर्फ दिखाई देगा। कस्टम पे क्लिक करिएगा तो आपका जिन जिन अपने फ्रेंड को यहाँ पे चूज करके रखिएगा, सेलेक्ट करके रखिएगा, सिर्फ उन्हीं लोगों को आपका स्टोरी दिखाई देगा। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर आपके स्टोरी पे व्यू नहीं आ रहे हैं तो किन कारणों से नहीं आ रहा है और उसका क्या सोल्यूशन है। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके कमेंट को ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स वॉचिंग, बाय।